शिवपुर में धड़ल्ले से चल रहा प्राइवेट स्कूलों में कमीशनखोरी का धंधा शिक्षा विभाग मौन, विद्यार्थियों परिषद ने सौंपा ज्ञापन। शिवपुर नगर में प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा सामग्री पर कमीशनखोरी का धंधा जोर पकड़ता जा रहा है, जहां कमीशन के चलते नर्सरी से लेकर कक्षा पांचवी तक के बच्चों की शिक्षण सामग्री की कीमत हजारों रुपए है। इतना ही नहीं, कमीशन के चलते प्राइवेट स्कूल संचालकों ने शिक्षण सामग्री और स्कूली बच्चों की ड्रेस खरीदने के लिए स्टेशनरी की एक दुकान मुकर्रर कर रखी है, जहां से कमीशन का गोरख धंधा संचालित किया जाता है। बता दें कि स्कूल संचालकों द्वारा प्रतिवर्ष बच्चों के सिलेबस को बदल दिया जाता है, जिससे कि पूर्व के सिलेबस को कोई अन्य बच्चा उपयोग ना कर सके और हर वर्ष कमीशन का गोरख धंधा फलता फूलता रहे। इतना ही नहीं, प्रतिवर्ष प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा शिक्षण शुल्क में भी भारी वृद्धि की जा रही है, जिसके चलते अभिभावक परेशान बने हुए हैं। जहां इस आशय की शिकायत अभिभावकों द्वारा शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को कई बार की जा चुकी है, जहां शिक्षा विभाग द्वारा साधी गई चुप्पी के चलते प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा की जा रही कमीशन खोरी पर आज तक लगाम नहीं लग सकी है। जहाँ प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा की जा रही कमीशन खोरी और निरंतर शिक्षण स्कूल में की जा रही वृद्धि को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज कलेक्टर के नाम भी ज्ञापन सौंपा गया। अब देखना यह होगा कि इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा प्राइवेट स्कूल संचालकों पर लगाम लगती भी है या नहीं। शिवपुर से संवाददाता गोविंद कर है यह कि शिवपुर शहर में प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा पालकों से मनमानी फीस वसूली की जा रही है। विषय दो, प्राइवेट स्कूल संचालकों से द्वारा कक्षा सिलेबस एवं छात्र गणवेश के लिए कमीशन पर दुकान चिन्हित कर पालकों को मनमानी दाम पर बेची जा रही है। कुछ चुनिंदा दुकानों नहीं मिल रही है। अतः सीमांत से ताजा निवेदन है कि पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आगर पर जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। अन्यथा की स्थिति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।